हेलो, मैं शरूर की नानी हूँ, पंजाब से आई हूँ। यूट्यूब काफ़ी देर से पलक का देखती थी, अब कुछ वो डाल नहीं रही। मैंने कहा खुद जाती हूँ और उसका पंजाब का हलवा बनाकर खिलाती हूँ। Hi guys, so I know I've not been active on YouTube for like an eternity, लेकिन अभी नानी आ गई है और नानी ने मेरी क्लास भी लगाई है कि मैं पंजाब में रहती हूँ, मैं YouTube के बहाने देख लेती हूँ, लेकिन अभी तो YouTube भी नहीं डाल रहे हो। तो अभी ये आ गए हैं मुझसे मिलने का, मुझे ये बोलने ज़्यादा कि अभी YouTube पे एक्टिव हो जाओ। तो अभी नानी लीड ले रही है, नानी बोल रही है एक जो आपकी कमबैक वीडियो है उसमें मैं आऊंगी, मैं बनाऊंगी, मैं सिखाऊंगी कि व्यूज कैसे लाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात। लेट्स गो। हाय गाइस, सो वेलकम टू माय किचन। आई नो आई हैवंट गिवन अ होम टूर एज येट, बहुत डिमांड है, छोटी मोटी चीजें बच गई हैं, तो वो हम जल्दी करेंगे। तब तक आप एक ग्लिम्स देख लो मेरे किचन का। और ये रहे मेरे नानी। नानी मम्मा आज क्या बना रहे हैं हम? आज आटे का हलवा बना रही हूँ, कड़ा प्रसाद जो हम बोलते हैं, जो पंजाबी में कड़ा प्रसाद बोलते हैं, पंजाबियों की शान है, वो बना रहे हैं। चलो नानी स्टार्ट करते हैं। नानी मम्मा मुझे सिखा रहे हैं किचन में कैसे बनाना। हाँ जी, क्या करना नानी मम्मा? पहले गैस को ऑन करेंगे। ओके, अब घी लाओ। ये तो मुझे आता है। घी? हाँ। आटा लाओ, चीनी लाओ। चीनी तो मुझे पता है, इधर है। आपको पता है? हाँ जी, ये रही शुगर। वेरी गुड। ये रहा आटा। हाँ, एक कटोरी लाओ। हाँ जी। उससे नाप हो जाएगा, पलटा भी चाहिए। पलटा क्या होता है? जिससे परांठे बनाते हैं। ये नो, जो दूसरा है ये नहीं? ये लाओ। हाँ ठीक। एक मुझे कटोरी चाहिए नाप के लिए। थैंक यू। वेलकम। पहले कढ़ाई गर्म हो जाए, उसके बाद इसको एक कटोरी ले लो नाप के लिए, उतना घी, उतना आटा और उतनी ही शुगर। ओके okay. चार जो एक कटोरी घी की है, चार कटोरी पानी की डाल लेंगे। अच्छा, आप मिलावट कर रहे हो? नहीं, मिलावट नहीं कर रही। ये देखो। ओके okay. क्या बात है, आप आटा जो है उसको ले। ये तो घी तैर रहा है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और हेल्दी भी बनेगा। तो ये बन रहा है कड़ा प्रसाद। ये कड़ा प्रसाद जो पंजाब में बहुत फेमस है और हेल्दी भी है। हेल्दी नहीं है, शुगर घी डल रहा है उसमें, तो मतलब ऑल माय हेल्थ फ्रीक्स डोंट जस्ट दैट, मैदे की जगह हम आटा यूज कर रहे हैं। बट नानी मैम मुझे ये चीज़ पता है कि जो मेरे नॉन पंजाबी फ्रेंड्स हैं ना, वो गुरुद्वारे स्पेशली इसलिए आते हैं मेरे पास ताकि वो कड़ा प्रसाद खा सके। कड़ा प्रसाद खा सके क्योंकि ये टेस्टी बहुत होता है। ये गुरुद्वारे में ज़्यादातर गुरुद्वारे में मिलता है, घरों में तो लोग कम बनाते हैं, लेकिन गुरुद्वारे में, हर गुरुद्वारे में बनता है। जब गुरुद्वारे में बनता है इतना हॉट हॉट होता है। हाँ। लेकिन खाने का मजा ही अलग होता है। मजा अलग होता है क्योंकि वो पंजाब का देसी घी होता है ना। और जो देसी घी होता है फिर वो हाथ पे रह जाता है। हाँ। फिर मैं उसको अपने हैंड पे लगा लेती हूं। हैंड पे लगा लेते हैं, उसे मसाज भी कर लेते हैं। कई बार तो मसाज करके दो बार भी ले लेते हैं। जिनको ज्यादा टेस्टी लगता है ना बच्चों को, वो एक बार खा लेते हैं, फिर उससे मसाज के ताकि पता ना लगे। हम सब का मकसद एक ही है। जब उनको प्रसाद लेने के लिए जाते हैं, ज्यादा मिलता है तो दिल खुश हो जाता है, अगर कम मिलता है तो उनका ऐसे दिल हो जाता है। ओहो, आपका दिल कैसे होता है? मेरे को मिलता ही ज्यादा। आप स्पेशल हो। हाँ, मेरी सेहत देख ही दे। जो स्लिम ट्रिम होते हैं उनको इतना सा देते हैं कि ये खाएंगे नहीं, इसलिए लाइक नहीं करते कि ता हेल्दी ना हो जाए। जो पहले ही हेल्दी वो क्या होगा फिर। मैंने कहा आज जाती हूँ और अपनी पलकों को सिखाती पंजाब का हलवा कैसे बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो खाएगा और ही टेस्ट बन जाएगा। हो जाता है ज्यादा, फिर थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाते हैं। ये तो एकदम ही, ये कैरी नहीं है, ये ऐसे घी ऊपर नहीं आता। हाँ, तो जितना ऊपर आएगा उतना ही बढ़िया बनेगा। तो ये ब्राउन कैसे बनेगा? ब्राउन जब घी में इसको भूनेंगे ना तब ये ब्राउन हो जाएगा। जितना घी डाला उतना ही आटा डालना चाहिए ताकि इसको भूनने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं करूँ? ऐसे ही ना, इसके जो लम्स हैं बेसिकली वो निकालने हैं ना। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा दूर रहना। लिक्विड जितना होगा उतना ही अच्छा बनेगा। अभी इसमें चीनी भी डलेगी। ये देखो, ये साइड पे ना इसको चारों तरफ घुमाना। अच्छा, ये ब्राउन होने लग गया। हाँ, इधर नहीं तो ये ना, ये अगर ना करेगी तो जल जाएगा। ये देखो, स्टार्टेड गेटिंग ब्राउन। ये जल जाएगा, जब ये सारा भून जाएगा ना तो अपने आप ही घी जो है वो अलग हो जाता है आटे से। जब पूरा ब्राउन हो जाएगा तब इसमें चीनी डालनी,
पानी लाओ बेटा, पानी हाँ जा बड़े बर्तन में ले आओ, ताकि ये चार कटोरी कम से कम बन रहा है कड़ा प्रसाद, चार कटोरी कम से कम पानी होना चाहिए, पानी ले आओ। अरे अपनी बेटी को भी देख लो पीछे, बेटी को भी वैल्यू दे दो, सारी वैल्यू के देते रहते हो आप, तो कभी बनाया भी होगा, बेटी ने तो कभी बनाया ही नहीं और देखा भी नहीं। चीटिंग 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 करता है तू। बेटा ठंडा पानी नहीं चाहिए, नॉर्मल पानी चाहिए। ओके और जल्दी लाओ, देखो ये ब्राउन हो गया ना इसका कलर, फिर जल जाएगा ये। ले लो ना, नाप के डालना पड़ेगा ना इसको। अब देखो चीनी डाल दी, नहीं कुछ नहीं होता बेटा, मैं बहुत बार बनाती हूँ। और डालो पानी, जल्दी दो पानी, और पानी और क्या, जल्दी 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 हरी अब गांठ आ जाएगी इसमें। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, इसमें डालो। ये देखो एक कटोरी डाली थी ना, हाँ। अब इसमें चार कटोरी डालते हैं, एक कटोरी और डाली। इट लुक्स सो यम। बस बस ओके। अब देखो एक बार डालने से ना ये गांठ नहीं पड़ती। ऐसे क्या बना रहे हो? हलवा बना रहे हैं। नानी जीगू के लिए क्या बना रहे हो? जीगू के लिए नहीं बन रहा, जीगू को शुगर अलाउड नहीं है। आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसने मना कर दिया। मम्मा आ रहे, मम्मा जा रहे, मम्मा बोल रहे मुझे इधर इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। कोई वैल्यू दे दो। दिस लुक्स सो यम्मी, इट लुक्स सो सिंपल एंड सो यम्मी। अगर इसमें ज्यादा घी होता तभी अच्छा लगता है। जम्मी बनता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा, लेकिन इसको ब्राउन करना चाहिए। अगर ब्राउन नहीं करेंगे तो आटा कच्चा हो जाएगा, उसका कलर भी वाइट आएगा, खाने में टेस्टी भी नहीं लगेगा। इसको तब तक ऐसे करते जाना जब तक इसको घी अलग नहीं हो जाता। घी अलग नहीं हो जाता? हाँ, इस आटे से ना थोड़ा घी जो है ना वो अलग होने लगेगा। ये देखो ऊपर आ रहा ना घी, इसके साथ नीचे पकड़ा। मैं करूँ? वैसे करने की क्या जरूरत है बेटा, क्या जरूरत है बेटा, क्या जरूरत है बेटा? आपको रख लेना। अरे रहने दो, आपको आपके बस की बात नहीं है। क्या इतना बुरा हूँ मैं मां? अरे मुझे ट्राई तो कर दे दो। हाँ थोड़ा बेटा दूर रहना, इसको नीचे से करो, हाँ चारों तरफ घुमाओ, थोड़ा दूर रह के आराम से। नानी कितनी औसम है यार। ओ अच्छा, ये एकदम वैसे हाँ, हो गया। पहले टेस्ट करोगे ना तभी आपको पता लगेगा। अब दो मुझे, मेरे को लगता है आप थकावट हो गई। मैं तो थक गई। ये देखो क्या बात है, ये देखो ऐसे करने से ना पता लग जाता है कि ये पूरा बन गया, साथ में चिपक नहीं रहा ना। नहीं तो जैसे घी डाला, इसमें आटा डाला, पानी डाला, तो ये साथ में चिपक जाएगा ना। ये देखो नाइस, थोड़ा ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी बनाने में तो और मेहनत जाती है। हाँ टाइम लगता है करना, इतना ज़्यादा हाँ टाइम लगता है। खा के बताना कैसा लगता है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप सारी रेसिपी कुक को बता देना, वो आपको बना के खिलाएगा। अब मैं कुक को क्यों बोलूँ नानी माँ, मैं तो आप ही को बोलूँगी ना, मेरी नानी माँ बनाएंगे मेरे लिए। बेटा मैं तो जा रही हूँ ना। आप तो जा रहे हो यार। हाँ अब मैं जा रही हूँ, पंजाब से भेज देना मेरे लिए। हाँ वो ठंडा हो जाएगा हेलीकॉप्टर में। वो ठंडा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। आपको सिखाऊंगी लेकिन बना नहीं पाओगे बेटा, मुझे पता है ना। नानी मम्मा का हाथ का स्वाद अलग है, स्वाद भी लग गया, और आप इतनी मेहनत भी नहीं कर पाओगे। क्यों? आजकल के बच्चे नहीं कर पाते, आजकल के बच्चे बर्गर खा लिया, डोसा खा लिया। मैं कहाँ खाती हूँ बर्गर पिज्जा, मैं अपना खुद ही खाती हूँ ब्रेकफास्ट। हाँ, उसमें मेहनत नहीं लगती। डाले दूध डाले फ्रूट्स डाले उसमें, बेटा मेहनत नहीं ना लगती। इसमें ये देखो आप, इसके ऊपर घी आ रहा है, ये देखो आ रहा ना घी। नानी मम्मा बोल रहे आप रहने दो, आपकी बस की बात नहीं, आप बना ही नहीं पाओगे। नानी कुछ अच्छी चीज सिखा के जाओ बेटा, किचन में आते होते हैं। हाँ मम्मा आप ना सच्ची खराब कर रहे हो। आओ बेटा रेडी हो गया, देखो एक बार, एक बार देखो बेटा ऐसे। अब देखो ये रेडी हो गया, ओके क्या बात है। ड्राई फ्रूट डालेंगे, ड्राई फ्रूट डालने से और टेस्टी बन जाता है। ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग तो मैं ही करूँगी। हाँ करो जी, मिक्स कर देंगे ना हम, डाल पहले हम ऊपर से डाल लेंगे थोड़ा। हाँ आपको पता लग जाएगा कितना का डालना चाहिए, थोड़ा और डालो। वेरी गुड, बस फिर थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, बस बस बस। वैसे जो ये बादाम है ना, इसको अगर काट के डाल लें पतले पतले तो ज़्यादा अच्छा बन जाता है। वो डाल देते हैं। हाँ अब ऐसे ही डाल दो, ऐसे डाल दो। हाँ ऐसे भी अच्छे लगते हैं। इसको मिलाओ आप बेटा,
नीचे तक हाँ ऐसे, वेरी गुड। इसको ऐसे हेल्प के लिए पकड़ लेते, गरम है हाँ आराम से। ठीक है बन हाँ। गया, इसको डाला जाए बोल्स में। क्या बात है, आ जाओ नानी मम्मा, अभी हम टेस्ट करते हैं कड़ा प्रसाद। आराम से गर्म होगा, कैसा बना? यम्मी, टेस्टी बना, बहुत टेस्टी बना है। मुझे भी नानी मम्मा आनी चाहिए ना कुकिंग। कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं आती तो वो पुरानी बातें हैं, अगर आपको टेस्टी लगेगा आप कुक रख लेना। दैट्स माय कूल नानी। कैसा लगा आपको? बहुत यम्मी। तो पंजाब भी इससे भी अच्छा बनता, तो पंजाब में तो गांव में और अच्छा मिलता है। क्या बात है, मम्मा आना जरा इधर। मम्मा की क्लास लगाओ। नानी मम्मा आपको ना अपनी बेटी को भी सिखाना चाहिए था ना एक कड़ा प्रसाद, मुझे बना के कभी खिलाया नहीं। Oh, no! मैं सूजी का हलवा बनाती, कैसा बना? बहुत यम्मी बना। खा के देखो कैसा बना। नाइस। कभी बनाया आपने? कभी सिखाया आपने? थ्री जनरेशंस। अब देखो मम्मा ने नहीं सिखाया मेरे को, तो मेरे को कैसे आएगा? सूजी का आता है, बच्चे आजकल मीठा कम खाते हैं ना, इसीलिए नहीं सिखाया। आप तो खाओ। हाँ आप सिखा देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा खाओ फिर। धीरे धीरे आएगा। जाओ नानी पकड़ लेते हैं। So guys, that was today's YouTube video. I hope you enjoyed watching it. If you did, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bolo. And hit the bell icon to not miss any update. Fan of the week is Bhavjeet Kaur. Many, many congratulations. Thank you for all the love. And thank you for being such an avid admirer. And yes, we're back on YouTube. So let's kill it once again. Home tour soon, room tour soon. All the things that you guys want very, very soon. We just have a little bit of work left. Till then, keep pouring in your love. Keep watching my show, Suman and Dori, 3rd September, 6:30 p.m. on Colors. We need all your love because it's also my comeback on TV after 3-4 long, long years. And yeah, keep watching. Stay tuned.